वालदेन को नीचा न जानिए। एक बार एक बाप अपने बेटे से मिलने शहर जाता है। वहाँ उसके बेटे के साथ एक खूबसूरत लड़की भी रहती है। तीनों डिनर की टेबल पर बैठ जाते हैं। पापा, बेटा तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? बेटा जवाब देता है, ये लड़की मेरी रूम पार्टनर है और मेरे साथ ही रहती है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, हम दोनों के दरमियान कोई ऐसा रिलेशन नहीं है पापा। हम दोनों के कमरे भी मुख्तलिफ हैं और हम लोग अलग अलग ही सोते हैं। हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं पापा। अच्छा बेटा, ठीक है। दूसरे दिन उसका बाप वापस चला जाता है। एक हफ्ते बाद लड़की लड़के से कहती है, सुनो, गुज़श्ता संडे तुम्हारे पापा ने जिस प्लेट में डिनर किया था वो प्लेट गायब है। मुझे तो शक है कि प्लेट तुम्हारे पापा ने ही चोरी की होगी। वो शख्स जवाब देता है, शट अप, ये तुम क्या कह रही हो? लड़की कहती है, आप एक बार अपने पापा से पूछ तो लो, पूछने में क्या हर्ज है? आदमी जवाब देता है, ठीक है। आदमी अपने बाप को ईमेल लिखकर भेजता है, डियर पापा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने प्लेट चोरी की, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने प्लेट चोरी नहीं की। अगर आप गलती से प्लेट ले गए हो तो प्लीज उसे वापस कर दें, क्योंकि वो उस लड़की की प्लेट है। उसके पापा उसे एक घंटे के बाद जवाब भेजते हैं, डियर बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी रूम पार्टनर तुम्हारे साथ सोती है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं सोती। अगर इस पूरे हफ्ते में वो लड़की एक बार भी अपने कमरे में अपने बेड पर सो जाती तो तकिए के नीचे ही उसे प्लेट मिल जाती जो मैंने छुपाई थी। ये बात सुनकर लड़का बहुत हैरान और परेशान और माजत खा हुआ। कभी भी अपने वालिद को नीचा न जानिए। अपने आप को वालदे मोहतरम से ज्यादा होशियार, अकलमंद और पढ़ा लिखा मत समझें, क्योंकि वालिद चाहे जितना मर्जी अनपढ़ हो जाए, आपसे ज्यादा होशियार और अकलमंद होगा बाकी मामलों में भी। इसलिए अपने वालदेन की कद्र करें और उन्हें इज्जत दें।